ये दोस्तों आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं और दोस्तों आपका YouTube चैनल नहीं है दोस्तों, YouTube चैनल कैसे बनाएं? और ये दोस्तों आपने YouTube चैनल पहले से बना लिया दोस्तों, कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ दोस्तों, आप अपने चैनल में अप्लाई करते तो दोस्तों आपका चैनल जल्दी बूस्ट होगा और आप अर्निंग भी जल्दी कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिब्बू की टेक। जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम सिब्बू है, मैं आज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ-साथ नॉलेजबल भी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। ये दोस्तों आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो वो भी प्रोफेशनली तरीके से, या दोस्तों आपने चैनल पहले से बना रखा है बट उसमें कुछ सेटिंग अप्लाई नहीं किया, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में चैनल कैसे बनाना है और दोस्तों इसके साथ साथ कौन कौन से सेटिंग अप्लाई करनी जिससे आपका चैनल जल्दी से बूस्ट करेगा। तो दोस्तों मैं नई ईमेल से बनाने वाला हूं, पहले दोस्तों ईमेल बनाऊंगा और दोस्तों उसी ईमेल में नया चैनल बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूं और दोस्तों फुल ट्यूटोरियल आपको मोबाइल से सिखाने वाला हूं कि आपको चैनल कैसे बनाना है। दोस्तों आपके कंप्यूटर पास नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो दोस्तों आप मोबाइल से एक अच्छा चैनल बना सकते हैं प्रोफेशनली तरीके से। तो दोस्तों सिंपली मैं कर लेता अपनी मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन और आपको दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको चैनल बनाना है। जैसे कि दोस्तों मेरे साइड में आपको मोबाइल स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर आपको चैनल कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों मैंने यूट्यूब खोलिया, तो दोस्तों यहाँ पर आपको चले जाना अपने चैनल वाले आइकन पर और दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्विच अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों आपको सारी ईमेल यहाँ पर आपकी मिल जाएगी जितनी आपके फोन में होंगी, सारी ईमेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर आपको ऊपर अकाउंट के सामने आपको दिख जाएगा प्लस वाला आइकन, तो यहाँ पर आपको प्लस वाले पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको चेकिंग इन्फो पर आ जाएगा, तो दोस्तों आपको पिन लॉक मांगेगा वो आपको दे देना, मैंने फिंगरप्रिंट लगाया तो मैंने यहाँ पर फिंगर दे दिया। अब दोस्तों ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा, दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट, दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक कर लेना क्रिएट अकाउंट पर। दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फॉर माय पर्सनल यूज, फॉर वर्क माई बिजनेस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चैनल किस नाम से बनाना है, दोस्तों उसी नाम से आपको ईमेल भी क्रिएट कर लेनी है। दोस्तों जैसे मेरा यहाँ पर पहले से चैनल है, मैं सेम इसी नाम से चैनल पहले से क्रिएट करता हूँ। जैसे सिब्बू की टेक मुझे बनाना चाहिए तो मैं यहाँ पर अपना डाल लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद अपनी डीओबी सिलेक्ट करना है, जो आपकी डीओबी हो वहाँ पर आपको डीओबी सिलेक्ट कर लेना है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जेंडर पर क्लिक कर लेना, उसके बाद मेल फीमेल जो आप हो यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपको ऐसे ईमेल आ जाएंगी जो ईमेल रखनी हो। जैसे दोस्तों मेरे यहाँ पर आप ऑप्शन आ गया, ये दोस्तों आप ऑन ईमेल बनाना चाहते हैं क्रिएट योर ऑन जीमेल पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं जो ईमेल बनानी है, जो होगी अवेलेबल यूट्यूब के पास या गूगल के पास तो आपको प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों मेरा पहले से है तो मैं यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले पर क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लूंगा। अब इसके बाद अपने कोई पासवर्ड सेटअप कर लेना, जैसे मैं अपना पासवर्ड सेटअप कर लेता हूँ और दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यस आई एम पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी मेल बनके तैयार। दोस्तों अब यहाँ पर आपको चैनल कैसे बनाना है, दोस्तों पहले यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। आई एग्री होने पर दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों आपकी मेल सीधा यूट्यूब पर लॉग इन हो जाएगी। देख सकते हैं गूगल सर्विसेज पर जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपके यूट्यूब पर लॉग इन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बैक होकर आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको चले जाना फिर अपने आइकन पर, जो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते सिब्बू की टेक जो मेरा ईमेल मैंने नाम डाला तो अब यहाँ पर उसके नीचे क्रिएट अ चैनल, तो यहाँ पर आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर ऊपर पिक्चर, उसके नीचे एक नेम और उसके नीचे हैंडल, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी यदि लगाना चाहते हैं तो। नेम सिब्बू की टेक तो पड़ जाएगा, हैंडल जो है तो दे दिया या अपने यूनिक रख सकते हैं। जैसे अब मेरा ये वाला हैंडल नहीं मिले क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुका, बैक आ जाना। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपनी फोटो चूज करना चाहें, जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, जैसे मेरे यूट्यूब में लगी मेरी पिक्चर, तो यहाँ पर अपने चैनल पर पिक्चर लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना पूरा सेटिंग होने के बाद आपको क्रिएट अ चैनल पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका चैनल बनके तैयार है। दोस्तों यहाँ पर इतना बिल्कुल आसान तरीका रहा कि आपको चैनल कैसे क्रिएट कर। अब दोस्तों आपका चैनल क्रिएट हो चुका है, दोस्तों अब यहाँ पर फिर जाएंगे, यहाँ पर आपका चैनल दिख जाएगा, देख सकते सिब्बू की टेक। अब यहाँ पर दोस्तों सेटिंग क्या करना, जो और जो मेन सेटिंग है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सेटिंग है जिसमें बोलते हैं कि चैनल सर्च में नहीं आता या वीडियो में क्या कहाँ टाइटल डालते हैं, दोस्तों यहाँ पर आप सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना, दोस्तों यहाँ पर कट कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर खोल लेना क्रोम ब्राउजर। तो दोस्तों यहाँ पर क्रोम ब्राउजर जाने के बाद दोस्तों आपको अपनी वही मेल लॉग इन कर लेना जिसको अभी क्रिएट किए, तो मैं सिंपली लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते गाइस सिंपली मैंने यहाँ पर अपनी मेल लॉग इन कर लिया। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना, दोस्तों यहाँ पर आपको करना है वाईटी स्टूडियो टाइप वाईटी स्टूडियो, तो यहाँ पर आपको चले जाना थ्री डॉट पर। थ्री डॉट पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल कंप्यूटर जैसे आपका फोन चलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा आपको वाईटी स्टूडियो पर ऊपर वाले का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों आपने वाईटी स्टूडियो डाउनलोड किया तो यहाँ पर ऑप्शन, डाउनलोड नहीं किया होगा सीधा क्रोम पर खुल जाएगा, मैं क्रोम पर खोल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
मेरा चैनल यहाँ पर अब खुल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे जैसे चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे कोई सब्सक्राइब यहाँ पर नहीं, क्योंकि नया चैनल यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या सेटिंग करनी, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाली है, जिससे आपका चैनल ज्यादा से ज्यादा बूस्ट होने वाला है और दोस्तों आपका चैनल सर्च में भी आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको देख सकते नीचे यहाँ पर आपको सेटिंग वाला आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद देख सकते गाइस यहाँ पर आपको जनरल चैनल अपलोड डिफॉल्ट और परमिशन कमिटी, यहाँ पर ऐसे कई ऑप्शन मिल जाने हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जनरल पर देख सकते हैं, यहाँ पर करेंसी आप चूज करना चाहते हैं यूएस डॉलर है या तो इंडियन करेंसी आप चूज करना चाहते हो, देखने के लिए करेंसी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर दोस्तों टाइप करने के बाद यहाँ पर आप अपनी करेंसी चूज कर सकते हैं जो आपकी इंडियन करेंसी है। तो दोस्तों मैं अभी वैसे रहने देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चैनल पर चले जाना है जो इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग एंड फ्यूचर एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर कंट्री ऑफ रेसिडेंस पर आपको पहले अपना कंट्री चूज कर लेना जिस कंट्री से आप हैं। लाइक मैं यहाँ पर इंडिया से, तो मैं इंडिया चूज कर लेता हूँ। अब दोस्तों मेन पॉइंट यहाँ पर आपका आता कि जो आपका चैनल सर्च में क्यों नहीं आता, आपका कई क्वेश्चन ऐसे मैंने कमेंट में देखे हैं, बहुत सारे आए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सेटिंग सीख लेंगे, आपका चैनल 100% आने लगेगा 24 घंटे के अंदर। ये गाइस आप ये सेटिंग ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसके नीचे कीवर्ड्स, यहाँ दोस्तों अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड डालें, जैसे आपका चैनल क्या पहले वो नाम डाले, जैसे मेरा है सिब्बू की टेक, मैं यहाँ पर सिंपली डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिब्बू की टेक डाल लूंगा और इसके साथ साथ अपना नाम मैं डालूंगा जो है किस टाइप के आपको वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस नाम से कोई टाइप करेगा YouTube जरूर उसको दिखाएगा ये चैनल आप जो दोस्तों आपके कीवर्ड सर्च करते हैं जिस नेम से आप यहाँ पर फिल किए। जैसे मैं यहाँ पर डाल दूं हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, तो दोस्तों यदि गाइस आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर जरूर दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे कीवर्ड डाल देना, यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम 500 यूज कर सकते हैं गाइस। वहाँ पर आप कैसे यूज करते हैं, क्या क्या डालते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको डाल लेना, कैसे आप अपना नाम डाल लें, यहाँ पर चैनल का नेम डाल लें, किस टॉपिक पर वीडियो बनाते वो डाल लेना, दोस्तों आपको ऐसे डाल लेना। इसके बाद दोस्तों आपको चले जाना एडवांस सेटिंग पर। एडवांस सेटिंग जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा सेट योर चैनल में, तो यहाँ पर आपको बीच वाले पर क्लिक कर लेना है बस। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ नहीं करना। इसके बाद दोस्तों आपको चले जाना फीचर एलिजिबिलिटी पर। यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाए, स्टैंडर्ड फीचर, इंटरमीडिएट फीचर एंड एडवांस फीचर। तो दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड फीचर ऑलरेडी ऑन है, उसके नीचे सेकंड नंबर पर इंटरमीडिएट फीचर, यहाँ पर आपको एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको ऑन कैसे करना, इसमें ऑन होने से आपका फायदा क्या होने वाला है, दोस्तों आप सेकंड वाला ऑप्शन ऑन कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको 15 मिनट से बड़ी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उसके साथ साथ थंबनेल लगा सकते हैं और दोस्तों आप वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, लाइव चला सकते हैं। तो दोस्तों आप ये ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑन कैसे करना, दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करना, जो एरो दिख रही है उसके नीचे वेरीफाई फोन नंबर दिख रहा है, दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट योर कंट्री, दोस्तों यहाँ पर फोन नंबर डाल के यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक कर देना और दोस्तों आपको कोड फिल कर देना है बस दोस्तों, और कुछ नहीं करना, और यहाँ पर आपको बैक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना यहाँ पर आपका अपलोड डिफॉल्ट पर। आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड एडवांस सेटिंग। तो दोस्तों आपको ये सेटिंग जरूर ऑन कर लेना, जैसे कि टाइटल यूज करते हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं दोस्तों आपको बार बार नहीं डालना पड़ेगा यदि आप सेम टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, या दोस्तों आप हैशटैग लगा कर छोड़ देते हैं या टैग्स लगा कर छोड़ देते हैं, आपको हर वीडियो में वही वाले अपलोड मिलेंगे। दोस्तों आपको बार बार नए से टाइप नहीं करने पड़ेंगे, कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं करना चाहें, वहां पर आपको ऑप्शन रहता, कोई दिक्कत नहीं होने की, आपको जो पड़ जाएंगे परमानेंट पड़े रहेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना, तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिख लेना, लाइक क्या क्या लिखना, तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन देख लेना कि कैसे क्या मेरा लिखा है, मेरे सभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन ऐसे ही लिखा है, तो दोस्तों आपको ऐसे लिख लेना है। अब इसके बाद दोस्तों विजिबिलिटी क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको विजिबिलिटी पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली अनलिस्टेड करके रखना, ना कि आपको पब्लिक करना, ना कि आपको प्राइवेट करना। दोस्तों आपको पहले अनलिस्टेड करके वीडियो अपलोड करने है, यहाँ पर आपको अनलिस्टेड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको टैग्स दोस्तों आप लगा सकते हैं जो आप अपने चैनल के रिलेटेड पहले, जैसे आपको अपने चैनल क्या है, चैनल किस टॉपिक पर है, किस कैटेगरी पर आप चैनल बनाते हैं, दोस्तों आप वो कैटेगरी लगा लेते। अब इसके बाद दोस्तों आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो लगा देने हैं। ये दोस्तों आप अपने चैनल के नेम सभी वीडियो पर लगाते दोस्तों आपके वीडियो के नीचे सजेस्ट जरूर करेगा आपका वीडियो। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर लेना, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ये दोस्तों आप ये वाला नहीं सीख पाते या नहीं कर पाते दोस्तों आपका चैनल कभी नहीं चलता। दोस्तों आपको लाइसेंस यहाँ पर ऐसे रहना, कैटेगरी पर क्लिक कर लेना, यहाँ पर आपको कैटेगरी नहीं जब तक बताएंगे, या दोस्तों यूट्यूब कैटेगरी नहीं बताएंगे, या दोस्तों इसके साथ साथ अपने ऑडियंस को कैटेगरी नहीं बताएंगे तो आपका चैनल नहीं चलेगा। तो यूट्यूब को पता है किस टॉपिक पर वीडियो है, किस टॉपिक पर चैनल है, उसी प्रकार के ऑडियंस को दिखाता है।
दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कई वैरायटी मिल जाएंगी, आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी कैसे चूज करना है, किस टॉपिक पर कौन सा वीडियो कैटेगरी आता है, तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पर समझ सकते हैं कौन टॉपिक कौन सा वीडियो किस कैटेगरी पर आता है। तो दोस्तों मेरा क्या है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं यहाँ पर अपना चूज कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज, किस लैंग्वेज पर अपनी वीडियो बनाते हैं, दोस्तों सिंपली से मेरी हिंदी है तो मैं यहाँ पर हिंदी यूज कर लेता हूँ। और यदि आप और कोई लैंग्वेज यूज करते हैं यहाँ पर आपको सिंपली चूज कर लेना, तो मैं यहाँ पर अपनी हिंदी चूज कर लेता हूँ। वीडियो लैंग्वेज के बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्शन सर्टिफिकेशन आप फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं, नहीं जरूरत कोई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चले जाना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज पर लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश या अदर कोई और लैंग्वेज, जब तक दोस्तों आपको ये नहीं फिल करेंगे तब भी दोस्तों आपका वीडियो सही ऑडियंस के पास नहीं जाएगी। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेना, दोस्तों मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। और दोस्तों उसके नीचे यहाँ पर कमेंट पर आप होल्ड एंड पोटेंशियल पर क्लिक कर लेना है दोस्तों, और उसके नीचे इसके बाद आपको इंक्रीज स्ट्रिक्टनेस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों इससे यहाँ पर क्या फायदा होने वाला, तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो यहाँ पर कोई जो गंदे कमेंट करता तो वो आपको नहीं दिखेंगे, ये दोस्तों गंदे कमेंट कर भी देता है तो दोस्तों उसका चैनल डिलीट कर देगा, और दोस्तों चैनल नहीं बना उसको तो ईमेल सस्पेंड कर देता है यूट्यूब। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेना और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो दोस्तों इतने बाद आपका चैनल बनके तैयार है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग करनी है। जब तक दोस्तों आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे तब भी आपका चैनल अच्छा नहीं दिखेगा। ब्रांडिंग कैसे करनी है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पर मेरा चैनल आ गया। दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियोस। यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसा दिख जाएगा चैनल कस्टमाइजेशन लेआउट कीजिए, आपको दिख रहा है वीडियो स्पॉटलाइट। तो जैसे फर्स्ट वाला चैनल ट्रेलर, तो फर्स्ट वाला ऐड अपना वीडियो चूज कर देते अपने चैनल से, तो अपना चैनल का ट्रेलर बना के डाल सकते हैं कि मेरे चैनल में क्या बनता है। यहाँ पर फॉर यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना, ये नया अपडेट आया है, इससे आपको जो ऑडियंस होती है वो किस टॉपिक पर वीडियो आपका चैनल देख के आई तो उसी के रिलेटेड सीधा आप उस यूट्यूब पेज में सजेस्ट कर देगा डायरेक्ट। और दोस्तों यदि आप प्लेलिस्ट का बनाना चाहते तो बना सकते हैं, नहीं बनाना कोई जरूरी नहीं, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रांडिंग पर चले जाना, तो यहाँ पर देख सकते ब्रांडिंग यहाँ पर पिक्चर बैनर इमेज वाटरमार्क। दोस्तों यहाँ पर पिक्चर पर अपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर यूज कर सकते हैं, जैसे मेरी पिक्चर मेरे चैनल की प्रोफाइल पर लगी है तो वहाँ पर अपने यूज कर सकते हैं। उसके नीचे बैनर भी यूज कर सकते, यूज करना चाहे वीडियो को वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, कोने में यहाँ पर वीडियो के साइड में दिख जाएगा। इसमें लगाना कैसे, सब में सेम प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है जो नीले से दिख रहा है, और यहाँ पर अपनी कोई फोटो चूज कर लेना जो अपलोड करनी है, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है बस और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर चले जाना बेसिक इन्फॉर्मेशन पर, और यहाँ पर आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख लेना कि चैनल किस बारे में है, चैनल आप कौन चला रहा है, किस टॉपिक पर वीडियो बनते हैं, किस टॉपिक पर आप वीडियो बनाने वाले, सारा कुछ यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अपनी एक ईमेल जरूर मेंशन कर देना, जैसे आपका चैनल अच्छा चलता है, चलने लगता है, बूस्ट हो जाता है, तो आपको स्पॉन्सरशिप के लिए आप यहाँ पर एक ईमेल ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे, ऐड लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ट्विटर फेस यहाँ पर अपनी अलग प्लेटफॉर्म की एक लिंक डाल सकते हैं, यदि उसमें आप अपना वीडियो बनाते हैं उनको जोड़ना चाहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपका चैनल बनके तैयार है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपना वीडियो पोस्ट कर सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो यहाँ पर पोस्ट कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है, क्रिएट में यहाँ पर अपलोड वीडियो, गो लाइव, न्यू प्लेलिस्ट या न्यू पॉडकास्ट, यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको अपलोड वीडियो और कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपलोड वीडियो करना, वीडियो सेलेक्ट करना, वीडियो अपलोड करना बस दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट आपको अपलोड करना है। ये दोस्तों आप यहाँ से वीडियो अपलोड करते क्रोम ब्राउजर में जाकर, तो दोस्तों यहाँ पर आपका फायदा क्या होने वाला, तो सिंपली यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, जो यहाँ पर आप अपलोड डिफॉल्ट यूज किए थे वो यहाँ पर सारे कीवर्ड टैग हैशटैग सब यहाँ पर यूज हो जाएंगे। ये दोस्तों आप यूट्यूब से डायरेक्ट अपलोड करते दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं, आपको सारा नया लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी वीडियो अपलोड करना आपको डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में जाके डेस्कटॉप मोड से वीडियो अपलोड करने हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बस आज के लिए इतना, तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।